सीरिया में रविवार को विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सरकार गिर गई और सीरिया के राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत का विद्रोहियों ने सड़क पर जश्न मनाया। सीरियाई स्टेट टेलीविजन ने लोगों के समूह की ओर से बयान प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बशर असद के शासन को उखाड़ फेंका गया है और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। रविवार की घटनाओं ने असद के करीब 14 साल के शासन को नाटकीय रूप से खत्म कर दिया क्योंकि बीते लगभग एक दशक से गृह युद्ध में घिरा सीरिया तबाह हो गया था। हयात तहरीर अल फयाम व्हिच इज अ ग्रुप इन द नॉर्थ वेस्ट हैड टेकन लीड अलोंग विद द फ्री सीरियन आर्मी एंड सेवरल अदर स्मॉलर ग्रुप्स हैड टेकन मेजर टाउन्स स्पेशली फ्रॉम एलेप्पो हमा एंड होम्स एंड नाउ द रिपोर्ट्स टुडे हैव कम दैट दे हैव आल्सो एंटर्ड डमस्कस which means the capital, and some reports are indicating that the army says that President Assad's regime is no longer there. So it appears that President Assad has left the country and his regime has fallen as per the recent reports. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सीरिया में तख्ता पलट की मुख्य वजह इस साल शुरू हुआ विद्रोह, कमजोर हुई सेना समेत रूस और ईरान जैसे सहयोगियों से घटता सपोर्ट रहा। हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विपक्षी ताकतों ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। असद गवर्नमेंट हैड बीन सर्वाइविंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 10 इयर्स विद द हेल्प ऑफ इरानियंस एंड रशियंस, सो दे हैव चोजन द करेक्ट टाइम। द रशियंस हैव बिजी इन यूक्रेन, द इरानियंस हैव सफर्ड हैवी लॉसेस due to Israeli attack, and their proxy, Hezbollah, which is in the neighboring Lebanon country, is also not in a position. 34 साल की उम्र में विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए असद बेहद सौम्य स्वभाव और टेक्नो सेवी रखते थे। साल 2000 के वक्त जब असद के शासन की सीरिया में एंट्री हुई तो माना जाता था कि वे अपने पिता की छवि से उलट देश में कई बड़े बदलाव लाएंगे और संघर्षों को खत्म करेंगे। हालांकि 2011 के विरोध प्रदर्शनों का सामना करते हुए उन्होंने अपने पिता के क्रूर तरीकों को अपनाया और सीरिया को ऐसे गृह युद्ध में झोंका जिसमें कथित तौर पर 5 लाख लोग मारे गए और आधी जनसंख्या को बेघर होना पड़ा। बीते नवंबर में विपक्षी ताकतों के हैरान कर देने वाले हमले की वजह से असद की सेना का पतन बेहद तेजी से हुआ। कई संघर्षों में घिरे सीरिया को उसके सहयोगी रूस, ईरान और हिजबुल्ला के कम होते सपोर्ट ने असद परिवार के दशकों के शासन का अंत कर दिया।